आप उस समय कैबिनेट सेक्रेटरी थे जिन्होंने साइन किया ये आपकी उस समय 2012 में कहा कि नई पार्लियामेंट की जरूरत है तो 2021 में कहा ना कि ये पार्लियामेंट इसलिए बनाई जा रही है बिकॉज देर इज अपरस्टिशियस बिलीफ ये पढ़े लिखे मूर्ख नहीं है देर अ डिसग्रेस टू द कंट्री ये पढ़े लिखे मूर्ख नहीं है दे आर ए डिसग्रेस टू द कंट्री उसके बाद आगे सेंट्रल विस्टा पे के वैनिटी प्रोजेक्ट है ए फजूल का खर्चा है इन लोगों को हम मैंने कई बार याद करवाने की कोशिश की भाई साहब केंद्रीय सरकार इज दी लैंड ओनर इन डेली और हम गवर्नमेंट ऑफिस के लिए कितना खर्चा करते हैं किराए पे एक वर्ष में करीब हजार करोड़ गवर्नमेंट ऑफिस कहां पे हैं मैं आपको अपना उदाहरण बताना चाहता हूं 1974 में मैंने एक सेंट्रल फॉर इंडियन फॉरेन सर्विस ज्वाइन की जब मेरी पहली बार जब मैं किसी ऑफिस में गया साउथ ब्लॉक में गया मेरा ऑफिस वहां था जब मैं पहली बारी पहली पोस्टिंग के बाद आया लौट के टोक्यो से तो मेरा ऑफिस था शास्त्री भवन में जब मैं डायरेक्टर बना तो मेरा ऑफिस था अकबर भवन में जब मैं सचिव आई बिकेम सेक्रेटरी बाहर से आया तो साउथ ब्लॉक में था तो विदेश मंत्रालय जो एक इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट की उसके अपने ऑफिस चार पांच जगह में बिखरे हुए हैं नब्बे नब्बे एकड़ लैंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम के हटमंड्स हैं वहां पे तो ये लोग जो हमारे पे ये वैनिटी प्रोजेक्ट काम के ये वैनिटी प्रोजेक्ट नहीं है दिस इज अ प्रोजेक्ट ऑफ नेसेसिटी एंड दिस प्रोजेक्ट इज ए लिविंग टेस्टमनी टू द इनकॉम्पिटेंस ऑफ द पार्टी विच वॉज इन गवर्नेंस फॉर नियरली सेवन डेकेट शास्त्री भवन उद्योग भवन कोई भी देश जब आजा आजाद होता है वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दैट इज डन इज टू बिल्ड योर ओन गवर्नेंस आर्किटेक्चर एंड गवर्नेंस आर्किटेक्ट उन्नीस में वी बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन बाकी बाकी देशों का भी आप इतिहास देखिए किसी ने 20 साल में किसी ने 50 साल में किसी ने 60 साल में हमारे 100 साल हो गए जब से ये बिल्डिंग्स बनी है और ये बिल्डिंग आज नहीं बनने जा रही सम ऑफ दिस प्रोजेक्ट्स विल गो ऑन फॉर फोर फाइव ईयर्स कल मैंने एक आर्टिकल देखा मेरे को और हंसी आई कि सेंट्रल विस्टा को इंप्लीमेंट करने में कुछ दिल्ली में सड़कें हैं जिनको ब्रॉड बेस करना पड़ेगा और क्या कब करना पड़ेगा 2039 में अरे मेरे भाई मेरे भाई अभी 2021 में है अभी दो हमने टेक टेकअप किए हैं हमें ऑफिस बनाने हैं सो दैट के हजार करोड़ एनुअल एक्सपेंडिचर में बचत हो और जो टोटल खर्चा आएगा प्रोजेक्ट का टेंडरिंग के बाद पता लगेगा आप बीस हजार करोड़ का अपना ही फिगर लगाई जा रहे हैं हो सकता चौदह हजार करोड़ हो अभी पीछे दो प्रोजेक्ट जो हमने टेंडर किए बड़े कंपेटेटिव कोर्ट्स uh, थे विद इन फाइव टेन करोड़ ऑफ इच अदर अच्छा इतनी बड़ी सरकार और इसको हेल्थ उसके साथ जोड़ा जा रहा है भाई इसके साथ मुझे समझ एक प्रोजेक्ट 2012 में कांग्रेस पार्टी कर रही कह रही थी कि क्या नया पार्लियामेंट बनाए हमने उसका उद्घाटन भी उसका उसका भूमि पूजन उसका पहले किया वॉट इज द इशू एवरी टाइम देर इज अ प्रॉब्लम वी शुड स्टॉप अ कंस्ट्रक्शन हाउ कैन दैट बी टोटल हमारा खर्चा अभी सेंट्रल विस्टा का मैंने बताया तेरह सौ करोड़ है ओवरऑल जो खर्चा होगा आई डोंट नो होगा पर उसमें कहना है कि एक तेरह हजार चौदह तेरह हजार चार, चार सौ करोड़ का मोदी महल बन रहा है और मोदी महल क्या बन रहा है तो पहले तो डिजाइन नहीं आया तो आएगा उसकी कॉस्टिंग होगी पर जो कितनी मिनिस्ट्रीज है गवर्नमेंट की फिफ्टी टू फिफ्टी टू गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज फिफ्टी वन आप देखिए ये फिफ्टी वन मिनिस्ट्रीज के लिए प्रॉपर फंक्शनल ऑफिस स्पेस अर्बन कनेक्टिविटी थ्रू मेट्रो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग नो ऑफिस बिल्डिंग्स नई पार्लियामेंट बिल्डिंग न्यू इंदिरा गांधी सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स और सब मिला के वाइस प्रेसिडेंट घर में उसका खर्चा शायद आएगा तेरह हजार चौदह हजार पंद्रह हजार करोड़ मुझे पता नहीं पर उसमें से बोले कि जी बीस हजार करोड़ ये है तेरह हजार चार सौ करोड़ यह लग रहा है कहाँ से आ रहा है तो ये आजकल एक नया शब्द है वो टूल किट मैं तो पढ़ता हूं जब इन चीजों को मुझे हैरानगी होती है कि पढ़े लिखे लोग और मैंने बताया ये साठ सिविल सर्वेंट्स ने ये साइन किया चिट्ठी मैं लाइन एक एक लाइन निकाल के आई कुड पता नहीं कहां से इनको इंफॉर्मेशन मिलती है बट ब्रॉड मिसकनसेप्शन बी क्रिएटेड आर कंसल्टेशन नहीं हुई अप्रूवल्स नहीं हुए हरी में यह किया जा रहा है मुझे एक अप्रूवल जो रिक्वायर्ड था उसका बता दे जो हमने ना लिया हो एंड आई एम विलिंग टू हैव अ डिस्कशन पर जो मैं कह रहा था ये साठ लोग जिनके उन्होंने तीस चालीस साल कई लोग इनमें से कैबिनेट सेक्रेटरी बने हैं कुछ विदेश सचिव बने हैं ये मोटिवेटेड और इल इंटेंशन मैल इंटेंट के साथ ये क्रिटिसिज्म है और ये छुपते हैं सोशल एक्टिविस्ट के पीछे तो मैं समझता हूं कि एज मिनिस्टर मैं आपके सामने आई कैन प्लेस द फैक्ट्स और जो हाई कोर्ट ने आज कहा है ये क्या है? मतलब अगर हमारे सामने चैलेंज आता है कि हम डेवलपमेंट का काम रोक दें काम रोक दें तो क्या होगा कितनी देर काम रोके हाँ ये हमारा फर्ज बनता है कि जो वहां पे काम कर रहे हैं उनके लिए उनकी वैक्सीनेशन उनकी uh, uh, बाकी व्यवस्था की जाए उनके रहने का की व्यवस्था की जाए विच वी आर डूइंग सो आई एम सॉरी आई विल स्लाइटली लॉन्ग वाइंडेड इन माई इंट्रोडक्शन बट आई थिंक वी हैव अनफ टाइम एंड आईड बी हैप्पी टू टेक क्वेश्चन और कोई टेक्निकल अगर मान लीजिए आपको क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत हो तो मेरे दोनों कॉलीग्स दुर्गा शंकर जी और राघवेंद्र सिंह जी वो दे विल बी हैप्पी टू चिप इन लेट्स स्टार्ट या आप प्लीज प्लीज़ आइडेंटिफाई योर सेल्फ बिकॉज ज़्यादातर मैं आपको पहचानता हूँ पर मास्क के पीछे कभी मुझे मुझे भी वो, वो, वो लग जाता है प्लीज़ ओके मैं ऐसे एम इन दिनों से हमारा पहला सवाल ये है कि जो आपका विस्टा प्रोजेक्ट है इसमें जितने भी स्टाफ काम कर रहे हैं सबको वैक्सीनेशन हो चुका है या नहीं एक नंबर टू ये है कि ये जो बातें कही जा रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस और वाइस प्रेसिडेंट हाउस बन रहा है ये अभी बन रहा है या नहीं देखिए मैंने आपको अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स के दौरान भी कहा कि प्रधानमंत्री आवास सारे प्रोजेक्ट में बनेगा पर आपका सवाल है अभी बन रहा है नहीं बन रहा मैंने आपको बताया इसका अभी डिजाइन ही नहीं आया हमारे पास तो किस स्टेज पे बनेगा और मैंने उस पर सिर्फ फोकस इसलिए किया है बिकॉज ये जिसने भी आर्टिकल लिखा है मैं समझता हूं किसी ने उसको कुछ बताया होगा और उस बेसिस पे उन्होंने कर दिया अब चाहे ऑगस्ट है दिसंबर है या कोई और महीना है दैट इज अ सेपरेट इशू

एंड बाकी के लिए भी वो पूरा का पूरा कोशिश है कि जल्दी जल्दी वैक्सीनेट हो जाए okay, और जाकर पूरा प्रोटोकॉल फॉलो किए जा रहे yeah, आपको, आपको शुरू से टेम्परेचर चेकिंग आर टी पी सी आर टेस्ट और साथ में जैसे बता रहे हैं अभी पार्लियामेंट में जो काम हो रहा है तेरह में से अगर नौ की वैक्सीनेशन हो गई है तो हम जोरों से साथ साथ कर रहे हैं पर इसको अगर हम सिक्वेंशियल कर दें इनको बंद कर दें फिर वेट करें फिर लाएं ना उनको वेजेस मिलेंगी सो दिस इज इट ये भी फैलाई जा रही थी बात के देखिए जब इस पे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पे काम शुरू होगा सारा दिल्ली विल कम टू स्टैंड स्टिल ऑफिस उखाड़े जाएंगे आ, सड़क पे कोई टेंट आ, में लोग लो बैठेंगे।, लो बैठेंगे ये कहां से आई बात और मैं इसमें पढ़े लिखे लोग जो हैं, जिनको साठ लोगों जिन्होंने वो दस्तखत किया है मैं तो उनके नाम आई एम वेरी कीन टू टेक पर ने इंडिविजुअली उनसे बात करूंगा पर ये कहां से आपको खबर मिली कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा गवर्नमेंट विल कम टू एन यू नो सो देर इज एन एलिमेंट ऑफ मिशिफ एंड विशफुल थिंकिंग और जब इन्होंने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में दे हैव माउंटेड अ चैलेंज वहां से हमें क्लियरेंस मिल गई और फिर उन्होंने कहा वहां से मिल गई क्लियरेंस तो दिल्ली हाई कोर्ट में चले जाइए वहां से भी मिल गई क्लियरेंस

इनके बारे में बताता हूं आपको इन्होंने कहा कि ये लेट मी जस्ट टेल यू उन्होंने कहा कि ये जो नया पार्लियामेंट बिल्डिंग इसलिए बनाई जा रही है आई रीड दिस आउट यू द फॉर्मर सिविल सर्वेंट्स इन द लेटर ऑल्सो स्टेट एंड दिस इज विद इन कोर्ट दिस प्रोजेक्ट बिगन इफ रिपोर्ट आर टू बी बिलीव पहले तो अगर 40 साल का आपका तजर्बा हो और अनुभव हो ट राइट ऑन रिपोर्ट्स विच आर टू बी बिलीव क्या लिखते हैं बिकॉज ऑफ ए सुपरस्टिशियस बिलीव दैट द प्रेजेंट बिल्डिंग पार्लियामेंट बिल्डिंग इज अनलक्की वेल एज विदीविंग ए पर्टिकुलर गवर्मेंट एंड इट्स लीडर इम्प्रेस ऑन दर्किटेक्चर ऑफ डेली अरे भाई आप उस समय कैबिनेट सेक्रेटरी थे जिन्होंने साइन किया ये आपकी उस समय दो हजार बारह में कहा कि नई पार्लियामेंट की जरूरत है तो 2021 में कहा ना कि ये पार्लियामेंट इसलिए बनाई जा रही है बिकॉज़ देर इज अ सुपरस्टिशियस बिलीफ ये पढ़े लिखे मूर्ख नहीं है देयर आर डिसग्रेस टू द कंट्री आई वुड नॉट पुट माय सिग्नेचर ऑन अ लेटर लाइक दिस व्हिच टॉक्स अबाउट अ सुपरस्टिशियस बिलीफ ये आप ही के साथी है आईएएस के हां <laughs> आपके भी नहीं नहीं मेरा फॉरेन सर्विस की कमी नहीं है मैं पढ़ दूं ना फॉरेन सर्विस काफी है दोनों सो तो ऐसे हाउ ड्यू डील विद दिस पीपल के सुपरस्टिशियस बिलीव थी कि पार्लियामेंट इज नॉट लके अरे भैया पार्लियामेंट के अंदर जाके देखो तो सही मेरी तो आई एम सिक्स ओल्ड एंड यू नो माई नीज आर स्टिल फंक्शनिंग बट वहां पर देर इज नो स्पेस बिटवीन द फ्रंट एंड द बैक वेन वी सिट यू नो वी आर क्रैम्पड इन बिकॉज दैट पार्लियामेंट वॉज डिजाइंड फॉर वेरी फ्यू पीपल सो वी आर मेकिंग अ बिगर पार्लियामेंट फॉर द People of India, on its 75th anniversary. So these, I don't know, I can't call them well-intentioned, uh, uh, I'm inclined to use stronger language, but this is unbelievable. Because a superstitious belief, we are making a new parliament. You look at the records. Was Meera Kumarji acting under a superstitious belief? Did Jairam Ramesh write that article because of the superstitious belief? No, I think some of these guys need to have their head examined. Before they sign letters like this. और मेरे को ओपन लेटर अच्छा मेरे को तो मिला ही नहीं अठारह मई का चिट्ठी है ये ओपन लेटर सोशल मीडिया पे घूम रहा है मेरे कोलीग्स हैं दिन भर में भेजते रहते हैं है तो आपके साथ मुलाकात करने की आज सुबह तैयारी कर रहा था तो मैंने ये समी ड्रूमा या टेंशन और जिसको जानकारी है नहीं है सडनली गेट्स अप्रेचुअवाइस टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो एक आदमी को मैंने फोन किया जिसने ऐसे ओपन लेटर लिखा मैंने कहा यार तीन व्यूज हैं आपके लेटर के बारे में एक तो यू आर सीकिंग रेलिवेंस बी यू वॉन्ट टू बिकम राजगुरु और थर्ड जो पहला शब्द मैंने किया मैं आप इस पोलाइट कंपनी का यू गॉन मैड तो आप चूज कर लीजिए इसमें से क्या है सुपरस्टिशियस बिलीफ देर फॉर इव रिपोर्ट्स आर टू बी बिलीव आई मीन अ कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यू से इफ रिपोर्ट आर टू बी बिलीव्ड में देखा। देखी है वहाँ पे क्या है? तो आप तो पार्लियामेंट कवर करते हैं आप, आपने देखी है और ये कह रहे हैं सुपरस्टिशियस बिलीफ है, इसलिए बनाया जा रहा है आज वो किसी और ने अखबार लिखी तो मैंने उनके मैनेजमेंट से बात की कहने नहीं सर वो ऐसा चल रहा है कि बहुत जरूरी है किसी तंत्रिक ने कहा बना दो तो, यार ये क्या हो रहा है यार